नमस्कार, मैं राजकीय महाविद्यालय बासा, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश का स्वयंसेवी प्रवीण कुमार। जैसा कि हम सभी भली भांति परिचित हैं कि आज पूरे विश्व में एक महामारी धीरे धीरे अपने पैर पसारती जा रही है। जी हाँ, मैं COVID-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा हूँ। चाइना के एक छोटे से शहर से निकला यह वायरस आज धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। एक छोटे से कस्बे से लेकर बड़े से बड़े देश भी इस वायरस के कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ही गंभीर जनक हो चली है। इसी वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल भी घोषित कर दिया गया है, और इसी के अंतर्गत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारतवर्ष में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए इस 21 दिन के लॉकडाउन का पूरी एहतियात और सही ढंग से पालन करें, क्योंकि आज हमारा घर पर रहना ही हमें इस वायरस से बचा सकता है। जो भी सरकार द्वारा कानून या नियम बताए जा रहे हैं उनका सही ढंग से पालन करें, क्योंकि अगर एक बार इस 125 करोड़ के देश में यह वायरस फैल जाता है तो यह भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। पहले कहा जाता था कि देश की रक्षा सिर्फ सरहद पर खड़े होकर ही की जा सकती है, लेकिन आज पूरे देशवासियों को अपने घर में रहकर भी देश की रक्षा करने का मौका मिल रहा है। इसलिए इस मौके को कतई भी जाने ना दें, घर पर बैठे रहें, सुरक्षित रहें, और हो सकता है कि हमारे आस पड़ोस में ही किसी व्यक्ति को हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया अवश्य ही उसकी सहायता करें, क्योंकि ऐसे संकट की स्थिति में ही हमारी मानवता भी उजागर होती है। अगर आप घर से बाहर कोई सामान लाने निकल भी रहे हो तो पूरी एहतियात से बाहर निकले, मास्क लगाकर या सैनिटाइजर के साथ ही बाहर निकले, और अधिक लोगों के संपर्क में आने से बिल्कुल बचे रहें। और हमें इस वायरस से कतई भी घबराना नहीं है बल्कि मजबूती से इसके सामने डटे रहना है। इसीलिए मुझे राहत साहब का एक शेर याद आ जाता है कि जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, कि रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी, कि रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, जय NSS।